इंसान की परेशानी का कारण एक ये भी है कि उसके पास जो है उसकी उसको कदर नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए उसके मन में सब्र नहीं है, वो उसी को पाना चाहता है। ऐसा बस भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। हालांकि इसके पीछे भी लॉजिक है कि अगर वो संतुष्ट हो जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, पर जो इसको समझ के भी ना समझे वही समझदार है, मतलब इसको समझ भी जाए और ना भी समझे तो वो खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ेगा पर खुश भी रहेगा। खैर, इसी विचार के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मीन राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। मीन राशि कुंडली की 12वीं राशि है और आपके 12वें भाव में शनि तो चल ही रहे थे कुंभ राशि में, अब मंगल भी आ गए तो बहुत ही विशेष हो गया आपके लिए। जो आपकी पहले राशि है 12वीं राशि हो, आपके 12वें भाव में दो दो ग्रह आ चुके हैं, तो इसका क्या आपके ऊपर असर होगा इसी बात पे हम बात करेंगे। शनि एक तामसिक ग्रह है, मंगल भी एक तामसिक ग्रह है, कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है और शनि का तत्व भी वायु है पर मंगल का तत्व अग्नि है, अग्नि है वो भी तामसिक अग्नि है, तो वायु से तो अग्नि बढ़ेगी, वायु अग्नि को बढ़ाती है। कहीं पे आग लग रही हो वहां वायु आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए तो आग और तेजी से बढ़ने लगती है। अब मंगल की अग्नि बढ़ेगी और 12वें भाव में बढ़ने वाली है, तो कुछ कुंडली में ऐसे भाव होते हैं जहां अग्नि की आवश्यकता होती है, तमस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि तमस में तपस्या की क्षमता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि राक्षस जो थे बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं कर पाते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि तमस की एक खास बात है, या तो हिलेंगे नहीं तो हिलेंगे नहीं, कुछ काम करना है आलस से आ रहा तो उठेंगे नहीं, पता है कि करना चाहिए अंदर से पर नहीं कर रहे हैं, ये तमस है, ये आलस है। अगर आप जानते हो जरूरत क्या है, सब मोह माया, वास्तव में नहीं कर रहे हो एक अलग बात हुई, और अगर आपको पता तो है पर कर नहीं पा रहे हो आलस के वजह, तो ये तमस हो गया। पर इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है, अगर करने लग जाएंगे तो फिर रोक नहीं पाएंगे खुद को, एक्स्ट्रा कर लेंगे, इनर्सिया जिसको हम बोलते हैं, कि जब तक वो रुका हुआ है तो उसको उठाने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसे रोकने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, यही तमस की इनर्सिया की खासियत होती है। तो ये दोनों ग्रह तमस हैं, 12वें भाव में आ गए हैं, और ये भाव बड़ा सॉफ्ट है, कोमल भाव है, ये नींद का भाव है, सबकॉन्शियस भाव है, ये वो भाव है जिसमें हम ईश्वर से मिलते हैं, ये वो भाव है जहां से आत्मा इस संसार से छोड़ती है, लग्न से आती है और 12वें भाव से छोड़ती है, मोक्ष का भाव, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भाव है। कई बार इसको खर्चे का व्यय का भी भाव बांधते हैं, पर व्यय तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीजों पे, शुभ चीजों पे खर्च होगा अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो, अगर पापी ग्रह आ गए हैं तो आपका स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, लड़ाई झगड़े पे आपकी एनर्जी खर्च हो सकती है, ऐसी चीजों पे एनर्जी खर्च हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या लेकर आया, अब इस पे बात कर ही लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इसका आप कहोगे तो एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में आया, फॉरेन विदेश में अगर आप रहते हो तो आपके लिए अच्छा है, आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। पहले भाव का स्वामी जो गुरु है वो द्वितीय में गया, द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, ये बोलता है कि फॉरेन अर्निंग, विदेश से अर्निंग, फॉरेन कंपनी में आप काम करते हो उसके लिए बहुत बढ़िया है, पर ये कहीं किसी तरह से आपकी फैमिली के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है, अपनों के ऊपर कोई खर्च आ सकता है, कोई एक्स्ट्रा, एक सडन कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जहां आपको पैसा लगाना पड़ जाए, उस चीज़ को भी दिखा रहा है। कब तक है ये? 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक। इसके साथ साथ जो मंगल है वो 9वें भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य का खर्च हो रहा है, भाग्य का स्वामी जो है 9वें भाव का जो स्वामी है, गुरुओं का जो स्वामी है, जो ब्लेसिंग का स्वामी है, वो 12वें भाव में जा रहा है, मतलब ब्लेसिंग से आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकते हो, ब्लेसिंग से आप अपने संन्यास की तरफ जा सकते हो, उन चीज़ों के लिए तो ठीक है, पर नॉर्मल लाइफ में से आप ये कहोगे आप बहुत प्रयास करो, कोशिश करो किसी चीज़ को, आपको इंतजार है और वो चीज़ एकदम से गायब हो जाए, कि मतलब प्रयास किया और सब कुछ किया पर फिर पता नहीं क्या हुआ, उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ चीज़ अटक गई है, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा भी है इसका एक अच्छा भी, आप कहीं अब्रॉड जा कर पढ़ना चाहते हो, आप शिक्षा लेना चाहते हो बाहर फॉरेन में, विदेश में, उसके लिए ठीक है। और इसका नेगेटिव भी है, आपने बहुत अच्छी डिग्री ली है पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब भी चीज़ें दे सकता है,
ये दोनों चीजें दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। ज्योतिष कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है, डिपेंड करता है कैसे गोचर है, आपकी दशा महादशा कैसी है। पर गोचर का रिजल्ट का क्या फायदा है कि हमको एक सेंस हो सकता है क्या बातें हो सकती हैं, तो उसी के अनुसार फिर हम बैलेंस में चलते हैं। तो यहाँ किन चीजों का ख्याल रखना है, एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति रखनी है, ध्यान रखना है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है। बारहवां भाव, छठा भाव, आठवां भाव ये एक्सट्रीम के भी होते हैं, एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम अधैर्यता, एक्सट्रीम जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, ट्रैवल करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, खर्चा करना है तो शुभ चीज़ों पे खर्चा करना है, फालतू की चीज़ों पे खर्चा नहीं करना है। कई बार हम जो चीज़ कह सकते हैं कि कहीं से घूमने ही जाना है, तो ऐसा ना हो कि आप सारी संपत्ति लगा के घूमने चले जाओ, या कोई चीज़ खरीदनी है, फोनी खरीदना है जो आप 30,000 के फोन से काम चला सकते हो और आप फिर लाखों का खरीद रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने का आपका मन हो सकता है, घूमने फिरने में आप एक्स्ट्रा पैसा कर सकते हो, आप सोच रहे हो जितने में हो उसने से ज़्यादा में हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। एक खास बात हो रही है कि मंगल की जो दृष्टि है वो चौथे भाव पे आ रही है, 11वें राशि में बैठे हैं, मतलब 11, 12, 1, 2 वृषभ पर आएगी, वृषभ आपकी तीसरी राशि है, माफ कीजिएगा, तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो आपको पराक्रम तो आपको बढ़ाएगी, एफर्ट तो आपको बढ़ाएगी, हिम्मत तो आपको देगी, पर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकती है छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ। एक ये शत्रुओं के ऊपर विजय आपको मिलेगी, ये एक अच्छी चीज हो रही है, कोर्ट के साथ ही में आप विजय कर पाओगे, पर आपके माइंड में पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, धन भी आपको कमा देगी ये, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, 12वें में बैठा है, कहीं ना कहीं एकादश भाव का स्वामी 12वें में जाना शुभ ही मानते हैं, मतलब फॉरेन चीजों से, विदेशों से किसी को दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, और पर ये आपकी नींद को खराब करेगा, सेंस ऑफ माइंड को खराब करेगा, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं होंगी, एक के बाद एक लगा रहेगा, तो आपको संतुष्टि को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है यहाँ से। और जो लास्ट दृष्टि है मंगल की, वो सप्तम पर आ रही है, रिश्तों को ध्यान दे, पार्टनरशिप पे ध्यान दे, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, व्यापार में आपका जो पार्टनर है उसके साथ कुछ अनबन हो सकती है, समझने की कोशिश करें उसके नज़रिए से भी, या फिर वहाँ पर कुछ शत्रु, जैसे बोलते हैं ना छुपे शत्रु, पॉलिटिक्स वगैरह, ये सब होने का चांस बनता है 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल और शनि के आपके 12वें भाव में गोचर की वजह से। अब इसमें आपकी दशाएं महादशाएं जन्म कुंडली तय करेगी कि इसमें से कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी, पर मेरी तरफ से प्रयास था आपको उसको समझाने का, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।